हेलो एवरीवन, मैं पीती पीती मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास कुछ अलग डीआईवाई लेकर आई हूँ। जैसा कि इस टाइम बज रहा है रात के 8, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूंगी, और मेरा सीरियल स्टार्ट होने वाला, तो इससे पहले मैंने सोचा कि चलो ये मेरा सीरम भी डीआईवाई जो मैं बनाकर लगाती हूँ वो फिनिश हो चुका था। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि दी आजकल आपके चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, काफी ज्यादा लुक चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा चेंजिंग आ रही है। अभी मैं खुद से बोलूंगी तो कुछ लोग बोलेंगे, आप बैड कमेंट करने वाले आ ही जाएंगे, लेकिन जिनको फर्क नजर आ रहा है ये उनके लिए, उनको पता होगा कि हाँ। तो मैं बस यही सारी डीआईवाई यूज कर करके अपने चेहरे में काफी ज्यादा चेंजिंग ला रही हूँ। कि आपको पता है कि लगन स्टार्ट होने वाली 23 या 24 तारीख से लगन स्टार्ट हो जाएगी, तो उन ब्राइडल के लिए है ये खास तौर से डीआईवाई। हम भी यूज कर सकते, क्यों नहीं यार, अगर ब्राइडल खूबसूरत दिखे तो हम भी खूबसूरत दिखे ना, सभी चाहते हैं कि हम भी खूबसूरत दिखे। अगर ब्राइडल का मेकअप हो जाता है वो ऑलरेडी खूबसूरत हो जाती है, बट ये सीरम लगा के आप और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद तो हम घर जाते हैं, विदाई होती है, विदाई होने के बाद हमारे चेहरे पे दमक, ग्लो और थोड़ा सा फेयरनेस तो होनी ही चाहिए। तो इस सीरम को आप 1 मंथ तक लगाइएगा, फर्क आपको खुद ही नजर आएगा। विंटर का टाइम है, स्किन के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, स्किन रूटीन बहुत ही जरूरी है। एक टाइम था जब मैं खुद स्किन रूटीन नहीं करती थी, तो आपको मैं बताऊं, रियल बता रही हूँ, इस टाइम में झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब से मैंने डीआईवाई यूज करना स्टार्ट किया, मेरे यहाँ पेचीपन आ जाता था, और कई लोगों के साथ होता होगा, जिनके साथ होता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ ड्राई सा हो जाते था, यहाँ रेडनेस आ जाती थी, जब मैं फेस वॉश करके आती थी तुरंत मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती थी ना, अजीब से धब्बे धब्बे चित्ते चित्ते टाइप के हो जाते थे। मैं स्किन की केयर एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं छोड़ दी थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी लाइफ में अपनी शादी होने के बाद। बट एक टाइम ऐसा आया, नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या कर रही हूँ, अपनी स्किन के साथ कैसे हम खिलवाड़ कर सकते हैं। अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ और कहीं भी केकी पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है, बिंदी मेरी लगी हुई थी तो मैंने बिंदी लगा ली। तो ये डीआईवाई बहुत ही अच्छी है, खास तौर से ब्राइडल के लिए, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप ब्राइडल हो ना, आपकी शादी होने वाली, तो ये स्किन पे आप जरूर ट्राई करिएगा। 1 महीने में आपको चैलेंज के साथ बोलती हूँ, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करें, फिर बातें बाद में करूंगी, ठीक है। जो चीजें मैं यूज करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने इसे 1 महीने यूज किया और 1 महीने में आप मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा फर्क देख रहे होंगे। और सोनी जी मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर वैसे तो सभी हैं, उन्होंने हेयर ग्रोथ के लिए बोला था। जैसे कि आपको पता है कि बीच में मेरे बाल बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे, जब से मैंने डीआईवाई वाला ऑयल बनाया है काफी ज्यादा फर्क आया, बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे। फिर मैं इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। जस्ट सोनी जी थोड़ा सा और वेट करिएगा, आपके लिए डीआईवाई हेयर के लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना, बाबू बहुत परेशान कर रही है, तो सबसे पहले आपको लेना बाउल लेना है, चम्मच लेना, ठीक है, ये तो सभी को पता है यार। और मैंने कंटेनर रख रखा है, मेरा सीरम वाला था, बाबू ने उसे तोड़ दिया, वो फूट गई शीशी थी, तो वो गुड वाइब्स की शीशी थी, गुड वाइब्स की बॉटल थी जो बहुत ही अच्छी होती, सीरम वाली थी, उसी में मैं डीआईवाई बना के आराम से यूज करती थी, बट बाबू ने खराब कर दिया। और माइंड मत लीजिए, घर के कपड़े में हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये वाली कंटेनर ले रखा है जो खाली था मेरे पास। तो सबसे पहले हमें लेना एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, आपके पास पौधा होगा आप उसमें से निकालिए फिर लगा लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपकी तो यहाँ पे एलोवेरा जेल हमने 1 चम्मच लिया। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एलोवेरा जेल ग्रीन वाला लीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप येलो वाला ले सकते हो। तो एलोवेरा जेल हमारा हो गया। और इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन, ठंड के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सभी को पता है, लेकिन लूंगी मैं, ज्यादा नहीं लूंगी, इतनी चीजें हमने इसमें मिक्स कर ली है, ये देखिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर का बनाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि डीआईवाई आप हफ्ते भर का, 10 दिन का, बस इससे ज्यादा बनाइए, इससे ज्यादा दिन का नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमको लेना है गुलाब रोज वाटर, यानी कि मैंने डाबर का लिया है, जो मुझे ठीक लगता है, डाबर का ही मैं अधिकतर लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप डाबर का ही लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं एक लपड़ मार दूंगी अगर हाथ इधर आया तो गुलाब जल हमें कितना लेना है, 1 चम्मच हम गुलाब जल ले रहे हैं। तो
मैं यहाँ पे जो चीजें बनाती हूँ बस हफ्ते भर की बनाती हूँ डियर, हफ्ते भर की मुझे लगता है कि मेरे लिए इनफ है, हफ्ते भर के बाद फिर मैं बना लेती हूँ। तो जैसा कि पता मैंने इसे 3 हफ्ते यूज किए, मुझे काफी ज्यादा फर्क नजर आया, तो मैंने कहा यार देखिए एक दो तीन, हमने यहाँ पे 6-7 बूंदे ले ली हैं, 6-7 बूंदे आपको बादाम ऑयल लेना है। मैं साइड में रखी हुई हूँ, बाबू जैसे वो होती ना उठा लेती है। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है बादाम ऑयल, और इसके बाद हमको क्या डालना है इसमें अभी हम आपको बताते हैं। कितना अच्छा सीरम देखिए लग रहा है। बस घर की चीजें में थोड़ी सी खुशबू कम होती है वो, लेकिन ये जो हमारे लिए काम करता है ना, मुझे लगता है कि बाजार वाली चीजों से ज्यादा अच्छा काम करता, मार्केट वाली चीजों से। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार बाजार क्या है तो कोई नहीं, बोलने वाले को बोलने दीजिए, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही। इसके बाद हम ले रहे विटामिन ई की कैप्सूल, और विटामिन ई की कैप्सूल आपको पता है ना क्या काम करती है हमारे चेहरे पे ग्लो लाने में, तो ये सुपर है। अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल नहीं लेना चाहते हो तो आप विटामिन ई का कुछ भी यूज कर सकते हो, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो आपको लगता है कि हम हफ्ते भर रख सकते हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो है विटामिन ई, इसलिए मैं विटामिन ई बता रही हूँ आपको। हमें इसको पूरा ऐड करना है, तो हमारा कंटेनर रेडी है इसको रखने के लिए। यार क्या सीरम बना है, ये देखिए हमारा सीरम बनके रेडी हो गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर में मैं इसको रख दूंगी, पहले मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ, अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब भी आप अप्लाई करो ना अपने फेस को अच्छे से क्लीन, सबसे पहले क्लीन करना, फेस वॉश, क्लींजिंग टोनर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप डीआईवाई यूज कर रहे हो तो आप ये मत सोचो यार हम डीआईवाई यूज कर रहे हैं तो हम क्लींजिंग क्यों करें, टोनर क्यों लगाएं, नहीं, आपको टोनिंग भी करनी है, क्लींजिंग भी करनी है, इसके बाद आपको सीरम लगाना है, इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, कोई नहीं, सीरम भी हमारा अच्छा काम करता, बट क्लींजिंग टोनर ये जरूरी है। बहुत ज्यादा मैंने बात कर ली, तो मैं यहाँ पे ली हूँ, मैंने यहाँ पे लिया गुड वाइब्स का मिस्ट। तो इससे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आपके स्किन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, सबसे खास पॉइंट यही है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत तामझाम है, लेकिन आप ब्राइडल हो तो ये चीज जरूर कीजिएगा, ठीक है, मेरी बात मानिएगा। तो अगर जो ब्राइडल नहीं है तो डायरेक्ट सीरम अप्लाई कर सकते हैं क्लींजिंग टोनिंग के बाद, आपको अपनी स्किन में पुश करना है। दोबारा से पुश करना है, अगर आपकी मैरिड होने वाली, यार इतना तो कर ही सकते हो ना अपनी स्किन में नेचुरल ग्लो लाने के लिए, कि आप जाओ ना तो आपको लोग बोले यार दुल्हन का चेहरा तो दमक रहा है। मैंने सोचा था मैं आपको एक साइड करके बताऊंगी, बट क्या हुआ ना हो जाता है। ठीक है, विंटर में बहुत ही जल्दी ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है, 3 बार हो चुके हैं। रगलना नहीं है, बस पुश करना है आपको। आप 7 बार रखो तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बट मैं यहाँ 4 बार ही करूंगी क्योंकि ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको। बाबू कंटेनर लेके चली गई, तो आप 7 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 4 बार की हूँ। चलिए हम अपने सीरम को अप्लाई करते हैं, एक साइड में आपको पहले लगा के दिखाऊंगी। थोड़ा सा लेके आपको हल्का सा मसाज कर लेना, हल्का सा, ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट। आधे में ही लगा के दिखाऊंगी मैं आपको, बस
तो अब आप मेरी स्किन में फर्क देखिए। ये देखिए क्या लग रहा है। कैसा आ रहा, पिंक पिंक सा ग्लो ना, बहुत ही अच्छी DIY है, आप जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये देखिए, ग्लो कर रहा है ना मेरा चेहरा। तो बस अगर ये DIY ये चीज आप लगाओगे ना तो यार काफी ज्यादा आपको फर्क नजर आ जाएगा, और ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छी DIY है। मैं फुल रिकमेंड करूंगी कि ये आप जरूर ट्राई करिएगा, एक महीने में आपको बहुत ही अच्छा फर्क नजर आएगा। जैसे ये सीरम लगाने पे आपकी स्किन दमक रही है, ग्लो कर रही है, वैसे रियल में भी हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई करिए और बताइएगा कि इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो इफेक्ट पक्का होगा, 100% गारंटी है। स्पेशल वीडियो मैंने ब्राइडल के लिए बनाई है, आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी ग्लो कर सकते हो। यार स्किन देखिए ना मेरी कितनी अच्छी लग रही है, तो बहुत ज्यादा मोमिया मिठू बन गई हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखनी है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर, और जो मेरे चैनल में सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय।